अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सारी फैमिली मेंबर का मेरे चैनल पे। और जो जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट मुझे ज़रूर बताते रहें। और आप सबको पता कि रिमोरव की मैं लेटेस्ट वीडियोस पे हमेशा रिएक्शन देता हूँ, लेकिन लेट हो गया कल। इन्होंने जल्दी अपलोड वीडियो कर दी, लेट अपलोड की थी क्योंकि मैंने जल्दी रिएक्शन दे दिए थे। तो आज आए हूँ लेके, जो कभी आई हम लोगों ने दो VIP चैलेंज देख लिया, जिसमें दीक्षा थी और संजय था। आज जो होने वाला ये है Part 3, तो इसमें मतलब हमारे ऋषि भाई होंगे। तो आज वीडियो लेके आए हूँ लिविंग लाइक VIP Part 3 तुगना तुगना तिगना तिगना तिगना। ओके, तो मालूम नहीं इसलिए मैं ऋषि भाई क्या करेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि लास्ट टाइम संजय ने भी सही, संजय तो सो के गुजार थी, तो संजय ने ठीक है, लेकिन दीक्षा ने सही तंग किया था। तो मिलकर आज Part 3 देखेंगे और फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है लिव इन लाइक VIP फॉर 24 आवर Part 3 रिमोर व्लॉग प्रेजेंट री व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं अब। फैमिली आज री भैया बनने वाले हैं VIP, वो भी 24 आवर्स के लिए, और उन्होंने कहा कि उनके लिए अरेंजमेंट होने चाहिए वो भी नेक्स्ट लेवल। ओहो बाबू भैया, हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, मेरे भी होने वाले हैं 15,000 कर दो तो हमें खुशी होगी। हेलो फैमिली, वेलकम टू री व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे कि री भैया कहाँ पर है, प्लेन में आ रही है। आज री भैया बने हमारे, जगह वही लग रही है, अभी उनकी एंट्री हमारे जैसे तो होने नहीं वाली, उनकी हो रही पूरे प्लेन में। वो देखो वो आ रहे हैं आपके लिए हमारे सर। एक्सक्यूज मी, साइड हो जाओ यार, साइड हो जाओ। हेलो फैमिली, वेल आपका री बन चुका है VIP, और VIP की एंट्री VIP हुई है यार। हमारे टाइम पे क्यों नहीं ऐसे किया यार? यार ये अंदर से आवाज आती है, ऐसे वैसे नहीं आवाज आती, जैसे हवा आ रही ना, आपको पता नहीं कितना सुन रहा होगा। ये मेरा बॉडीगार्ड, ओ बॉडीगार्ड, हाँ जी, चश्मा क्यों नहीं पहना? कौन से चश्मे? चश्मा पा, बंदाना किधर आपका? हाँ वेरी गुड, बॉडीगार्ड है तू, और PA, ये मेरी PA है फॉर 24 आवर्स। आई डोंट शेक हैंड, आई डोंट हैव टाइम। ये बताओ मेरा आगे का प्लान क्या है? तो सर जैसे अभी आप प्लान हुए हो, तो हमने पहले अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया है, ओके, स्वागत करने के लिए। ओके, लेकिन क्या अब्बा का प्लान है, वही है ना? तो मिस्टर VIP लिख के लाए हैं, वो मैं कह रहा हूँ इन बच्चों का प्यार होना बड़ी जरूरी बात है। वाह ये केक, पहले मेरा बॉडीगार्ड प्लीज चेक करेगा, टेस्ट नहीं आया, कोई तो सर गलत परे हो। लेट्स गो। मैं चाहूं कब तेरा हो जाऊं, फैमिली मेरा VIP बनना पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ Binomo ऐप। और इस ऐप के बारे में बताएंगे पापा। Binomo एक ट्रेडिंग ऐप है, इसमें बिग कंपनीज लाइक गूगल या Amazon के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें आपको ग्राफ फोरकास्ट करना है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इफ फोरकास्ट सक्सेसफुल देन यू विल अर्न। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते तो आपका डिपॉजिट हो जाएगा डबल। और फैमिली ये ऐप दोनों जगह अवेलेबल है, एंड्रॉइड और ऐप स्टोर। डाउनलोड द ऐप नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो फैमिली निकल चुके हैं, लेकिन कहाँ निकल चुके ये नहीं पता, ये मेरी ये बता। सो फैमिली हम लोग सर को सर के विला लेके जा रहे हैं। नहीं आपका बॉडीगार्ड का काम चला रहे, बॉडीगार्ड का काम है सिर्फ यू नो प्रोटेक्ट करना, सर गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है काम करते हैं, मेरे विला में पहुंचने से पहले आई थिंक लेट्स हैव सम फूड। सर सर आगे ना 5-स्टार होटल आ रहा है, उधर रोक लेना। लेकिन दिल से मैं देसी हूँ, मुझे देसी जगह पे बैठ के खाने का जितना मजा आता है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं आता। क्या बा? आपको क्या खाना है आप मुझे बताइए। कुछ भी स्पेशल मंगवाओ मेरे लिए, बिकॉज 5-स्टार में वो मजा नहीं जो ढाबे में है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है तो वेलकम, ये आपका विला है पूरे दिन के लिए। मेरा विला? ओहो ये तो वाकई VIP हो गया। यार फैमिली वाकई बड़ा सुंदर है यार, ये किसने किसने अरेंज किया ये? सर ये मैंने किया सर। सर इससे कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहा है। ये कैसे काम, मतलब कैसे? ओ तोफा इतना मिला कैसे? यार बस मिल गया, आप टेंशन मत लो सर। लेकिन इतने अमीर हुए कैसे? VIP है भाई, VIP हो सकते। मैंने आपकी हर चीज का ध्यान रखा है, आपको गार्डन बहुत पसंद है तो गार्डन देखो यार। कुत्ता बात की बात कहता हूँ फैमिली, बाकी बातें लग जाएगा लेकिन गार्डन बड़ा खुला। आप VIP हो क्या कर
रहे हो? सॉरी, थैंक यू सो मच. यस, बिफोर गोइंग इनसाइड आई वुड लाइक माय बॉडीगार्ड टू गो एंड चेक इफ एवरीथिंग इज सेफ. बॉडी का छाती निकालो यार तुम. हाँ वेरी गुड, चलो. यार सब ठीक है सर. सर हो गया सर, अच्छे तरीके से पूरा साफ है. एक एक कोना मैंने चेक किया. मतलब मैं यहाँ पर पीछे खड़ा था, मैं तेरे को देख रहा हूँ. ऐसे कौन देख, ऐसे कौन देख, जल्दी जा यार. डूड यार कैसे चलते यार. क्या काम किया फैमिली लोगों ने. अच्छा तो है, गुड जॉब दीक्षा, गुड जॉब. थैंक यू, थैंक यू सर. सर एक मिनट रुकिए सर. सर मुझे हर एक गद्दे पे एक बार बैठ के देखना पड़ेगा आपकी, यू नो, सिक्योर करने के लिए सर. वीआईपी बोर्ड बनाओ. अच्छा है, कंफर्टेबल है यार. ये ज्यादा कंफर्टेबल है, बड़ा वाला है लगता है. एक मिनट सर, मैं जरा सो रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक घंटे उठा दो. चितर मारो. मुझे आपके सिक्योरिटी के लिए, आपकी नो सेफ्टी के लिए. मैं सिक्योर हूँ, मैं सिक्योर हूँ. ड्यूटी कर, जो करना है कर सकते हो. लाइक आपका पूरा विला यार. पहले काम करो, मेल्स पढ़ो. बिकॉज काफी यू नो बड़े बड़े लोग को मेल्स आती है तो मेल्स का जवाब देते हैं. तो आई थिंक मेल पढ़ो. मैंने की थी, मेरे लिए बढ़िया थी. बेइज्जती होगी. ये सिक्योरिटी रखी क्या बंदा डराने के लिए रखा है. नाच गाना कर रहा है. यार मेरी ईमेल नहीं भरी आपने भी. यार फैमिली जो मर्जी हो जाए, यहाँ पर मजा तो आई है, लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना. बिकॉज आई वॉन्ट मोर थिंग्स. मुझे घर अच्छा लगा, मैंने देख लिया, आगे बढ़ो. यार डूडी ऐसे मत बोलो यार. लेट्स गो चंडीगढ़. ओ एक सेकंड रुको यार, चंडीगढ़ तो पास में भी नहीं है यार. एक सेकंड, चंडीगढ़ के करने जाना है यार. 3 घंटे दूर है इधर चंडीगढ़. चंडीगढ़ तो 3.5 घंटे लगेंगे ट्रैफिक के साथ. अभी माय टाइम इज प्रीशियस, क्विक. एक मिनट आ रहा हूं यार. फैमिली टूर क्या कर रहे हैं यार? मतलब मैंने इतने अरेंजमेंट्स की थी भैया, बेड तक पे नहीं लेटे यार, कुछ किया ही नहीं है. नाउ ही वांट्स टू गो चंडीगढ़. ये ऐसे थोड़ी ना होता है. वीआईपी ने खुद ड्राइव किया बता. यार बेस्ट पार्ट चंडीगढ़ का ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कार मतलब ऐसे घूमती है जैसे गली में संजय. गली में घूमता ही नहीं है यार, क्या कह रहे हैं डूडी? वही तो बोल रहा हूँ, बड़ी रेयर होती है. मैं कह रहा हूँ उसका फोटो खिंचवा लेते, किसी को पता नहीं लगेगा. मैं कह रहा हूँ खाली पड़ा छेती के भागते है. क्लिक करते ब्रो, पहले मेरे खींचो. चल तू पहले खींच. चलो चलो. कैसे खिंचाऊं ब्रो यार, मुझे नहीं पता यार. कर रही हूं ना, तुम फोटो खींचो. सर मस्टैंग है, चीज चमकाई हुई है. मस्टैंग बाद बहुत है. Excuse me. Yes, bro. I'm a VIP. Why are you touching my car? I'm not. Ek minute. Jadon vekh ke hasdi, has ke fasdi. Just, you know, get away. Aankhon mein dasdi. Ek minute. Oh, bro. No. Door khola. Door. Kya hai? Ye kya hai? Yaar, kya matlab? Yaar, main VIP hoon. It's my car for the day, man. Oh, oh, oh. आपने बताया क्यों नहीं? हम बताते नहीं है, हम करके दिखाते. बिकॉज वी आई पी जो होते ना, वो लंजू पंजू के मुंह नहीं लगते. लंजू पंजू जब से बंदा अमीर क्या हो, हर बंदा दोस्त बनने लग जाता है. राइड गाड़ी ले आओ यार, कोई कोई राइड नहीं मिलेगी. सॉरी सॉरी. अभी तो ये जिन जो इनके ऑनर है मैं उनको बुला लेता हूँ ताकि वो मुझे यहाँ पर गेड़ी करवा दे. यहाँ पर अगर बच्चा पार्टी ने थोड़ी सी अच्छे से यू नो मेरे साथ बिहेव किया तो दे माइट गेट अ चांस, राइट? ओके ऑलराइट. सो फैमिली मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पीछे रह जाए, तो तुम दोनों ही गाड़ी में बैठ सकते हो. मैं कहता हूँ इसको छोड़ो, इसको रहने दो. मैं यार ये कैसे है ब्रो? ओएमजी ब्रो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार. ओह माय गॉड.
क्या उड़ाई है गाड़ी जो लक मटकावे मेरा साले जावे स्नैपचैट उते सारे फिल्टर लावे 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 छाती ते मार दे सर की है ओ यार रोक रहा होता है यार ऐसे रोक तो सर थोड़ा धीरे करो का करो यार सर सर एक रिक्वेस्ट है सर क्या रिक्वेस्ट है यार मेरे यार चश्मा उतार दो यार ये अच्छा नहीं लगता यार हमें लोग की इतने ज्यादा अंदर बैठे होते हैं मैं क्या पहन के ये कोई बॉडीगार्ड पैसा पहनता नहीं मेरे को बिना ही जान सकते इनको अपने मजे लेने बताओ चल वैसे उतार सकता है क्योंकि फैमिली में वैसा वीआईपी हूं जो बच्चों को ज्यादा तंग नहीं कर रहा हूं सर आपने जो रिक्वेस्ट की थी उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया अच्छे से एक्सेप्ट करना ही था वीआईपी ने जो रिक्वेस्ट की आपको नहीं पता कितनी बार मुझे प्लीज बोलना पड़ा यार प्लीज आ जाओ प्लीज आ जाओ जाओ यार एडमिट भेज दूंगी सड़ा आप भूल गए मैंने आपको रिजेक्ट किया था प्लीज कॉल हर रिचा ये देखो अभी भी अभी अच्छा गर्लफ्रेंड है ध्यान ही नहीं दिया कौन है क्या 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 गर्लफ्रेंड है तो कोई हैंडसम लड़का लग रहा है वाह पैसा बोलता है भाई पैसा थैंक यू सो मच मुझे नहीं पता तुम ऐसे भी लगते हो बेसिकली जो मैंने अरेंजमेंट करवाया आप बोलोगे कि लाइक वाओ क्या करवाया है दीक्षा मतलब मजा आ गया लाइक यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी राइट नाउ ओके पर्दा क्यों किया है एक सेकंड रुको जे तू लक मटकावे मेरा साले जावे वाह स्नैपचैट उते सारे फिल्टर लावे 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 नॉर्मल ऋषि लिखवा लेती यार आप वीआईपी हो तो मैं मतलब लिखवाऊंगी ना दी वीआईपी ऐसे नहीं लिखवाते ऋषि तो वीआईपी पागल है तू एक तक कार्ड ने टेस्ट ही करा रहे यार यू नो व्हाट ऋषा आज मुझे मस्टैंग में भी जाना था फ्लाइट में भी जाना था देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स आई एम सो टायर्ड तुम लेकर आओ क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छी चीजें बनाता है यू गो मैं तो ना बनाऊंगा अच्छा वेटर लेके आ रहे हैं इंटरव्यू टाइम यार फैमिली क्या बोल रहे हैं यार अब क्या करना है सर एक इंटरव्यू शूट करके भेजनी है रिमोरो व्लॉग्स के चैनल के लिए सर काफी फेमस है आई मीन 4+ मिलियन सब्सक्राइबर्स है उनका खरीदे लग दे नहीं सर और कहने क्या उनके यूट्यूब पे कितना कमा लेते हैं ये मेरे रिश्तेदारों ने भी काफी सवाल पूछे हैं मैं इतने तो कमा लेता हूँ कि यू नो मुझे मेरे घर पर एक पैसे गिनने वाली मशीन रखनी पड़ी है या यू वांट टू सी यस ₹1200 सी आपने सिक्योरिटी इसको क्यों चुना देखिए मेरे सिक्योरिटी चूज करने के लिए काफी रीजंस थे मुझे कुछ भी होने से पहले दिस सिक्योरिटी गेट्स वेरी अलर्ट तो आप मुझे काम करें यहाँ पे पंच करें अरे पंच करें आपका पंच यहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो पंच को रोक दिया जाएगा देखा मैं सिक्योरिटी अब इसे पता था कि आपने मुझे फ्रेंडली मारा है अब थोड़ा जोर से मुक्का मारे साले कब बचाएगा या ब्रो लगते सिक्योरिटी आई नहीं अभी तक गुड नाइट सुबह बात करते हैं फैमिली पापा ने फोटो भेजी री भैया को फज की जहाँ वो हमारी वेट कर रहे हैं जिसे देखते ही री भैया सब कुछ छोड़कर घर वापस चले आए यार बहुत क्यूट है यार फज वाकई में कैसी है यारी प्यार दी बीमारी जेड़ी तो मैनू लाई दे कितना है ओ खाए ना बिल्कुल सोखा जीना क्या जाने तो जुदाई दे ताई दे हे
love you for the GD. ओके रुक जा, क्या हो गया तुझे? ओके वीडियो की बात करें तो जनाब जो हम लोगों ने पहले किया ये व्लॉग देखे ना वीआईपी, वो वीआईपी थे लेकिन ये सुपर वीआईपी था ऋषि भाई की जो एंट्री हुई प्लेन के ऊपर, बाद में जो विला गए वहाँ, क्या विला था यार, हाय ख्वाब ही रह गए हमारे ऐसे विलों में जाने के लिए। जा सकते हैं अगर आप चैनल की मेम्बरशिप खरीदो, ठीक है तो मैं जा सकता हूँ, ज़्यादा खरीदनी है थोड़ी नहीं ज़्यादा वाली। ओके उसके अलावा बात की जाए तो जो भाई मस्टैंग के साथ वीडियो हुई है, हाय हाय क्या सीन था। लेकिन सबसे बेस्ट सीन जो मुझे लगा ना, सबसे बेस्ट वाला वो फज वाला लगा ना, उससे पहले पहले रिजेक्ट किया था ना, आज वीआईपी बन गए तो आज आ गई है मिल रहे इतनी प्यारी लग रहे हो। चलो यार वो मजाक की बात है, अलग बात है, शी इज़ ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। मैंने लास्ट टाइम देखिया कि बॉयफ्रेंड की बिस्ती कर दी थी तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, पता है लोगों ने बड़े कमेंट किए थे, लेकिन वो जस्ट आ रोस्ट ब्रो तो इग्नोर करो। बाकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, संजय थोड़ा अजीब ही बॉडीगार्ड था लेकिन दीक्षा ने, अगर दीक्षा ने किया तो बहुत ज़बरदस्त प्लान किए हुए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। इसी को कहते हैं ना वीडियोज़ में हम लोगों को खुश करना, ये वाकई में एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो थी आज की। ओके और रिमोरो व्लॉग ने वाकई में एक कहना चाहूँगा कि जो इन लोगों ने मेहनत की है ना उनका फल इनको मिल रहा है, बहुत ही आला मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको हम लोग जितना प्यार करते हैं, जितनी फैमिली मेम्बर है इतना प्यार करती हैं उन्हें, तो हम लोग वैसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो मुझे भी सपोर्ट करो, जोक इट पार्ट लेकिन जोक नहीं है, सीरियस जाकर सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली मेम्बर हो ना तो बनता है ना। बाकी उसके अलावा एक बात करना चाहूँगा, जो मर्जी कर लें सब कुछ कर लें, भले वीआईपी लिखवा दिया सब कुछ, लेकिन जो एंड में फजी की तस्वीर आई, फोटो आई ना, उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया। फज जब ये घर पे आए कितना क्यूट है, हम लोग ये आज भी याद होगा जब हमने फज की पहली वीडियो देखी थी, छोटा सा था, इतना भी नहीं था, इतना सा था ठीक है। फज आया था, देखिया ने रोना शुरू कर दिया था, फिर वहाँ से क्या सीन हुए थे, हम लोगों ने सारा फज की पूरी जर्नी देखी है और बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी मुझे, अच्छा लगा मैंने देख के, इन्जॉय किया। बाकी आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि एक वीआईपी पार्ट होना चाहिए जिसमें आंटी और अंकल को भी वीआईपी बनाएं, क्या सीन होगा ना। बाकी वीडियो अच्छी थी, मज़े वाली थी, मैंने इन्जॉय किया, आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट जरूर बताते रहें। बाकी मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियोज़ में, दुआ में अपने भाई को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।